नमस्कार, मेरा नाम साक्षी नौटियाल है और मैं राजकीय नर्सिंग कॉलेज द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आपको यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। तो जो हमारा लिवर यानी कि यकृत है, वह हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह हमारे शरीर में पाचन और विषात्मक जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से निकालने में मदद करता है। और जो हमारा हेपेटाइटिस यानी कि यकृत शोथ है, वह एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे यकृत यानी कि लिवर में सूजन पैदा करती है। जो यकृत शोथ है वह हमारे लिवर में सूजन पैदा करती है, जिसकी वजह से हमारे जो शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है उसमें वह बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खो बैठता है। जो यह हमारा यकृत शोथ है, वह भारत में एक बड़े तौर पर 30 से 59 साल के युवाओं को होता है। यकृत शोथ से प्रभावित 90% लोगों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें यकृत शोथ हो चुका है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत ही बाद के चरणों में होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला जो कि वायरल हेपेटाइटिस यानी कि यह जीवाणुओं से होता है। दूसरा प्रकार का हेपेटाइटिस ऑटो इम्यून यानी कि जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह हमारी खुद की ही कोशिकाओं को खत्म करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे यकृत में सूजन आ जाती है। तीसरे प्रकार का हेपेटाइटिस जिसको टॉक्सिक हेपेटाइटिस भी कहते हैं, यह ज़्यादा दवाइयों के लेने से होता है। अब हम इसके कारण को जानेंगे। इसका पहला कारण है संक्रमित भोजन खाने से। जैसा कि हमने अभी देखा था कि एक प्रकार का यकृत शोथ जीवाणुओं से भी होता है, तो यदि हमारा भोजन जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है और हम उसे अपने भोजन के प्रयोग में लाते हैं तो हमें यकृत शोथ होता है। इसका दूसरा कारण है दूषित पानी पीने से। यदि हमारा पानी जो हम अपने प्रयोग में ला रहे हैं वह अगर यकृत शोथ के जीवाणुओं से संक्रमित होगा तो भी हमें यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस हो सकता है। इसका तीसरा कारण है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। यदि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको यकृत शोथ हो रखा है जो कि जीवाणुओं के कारण हुआ है, तो वह यकृत शोथ के जीवाणु यदि हम उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमें भी वह संक्रमित कर सकते हैं। इसका अगला कारण है संक्रमित व्यक्ति के उस्तरे और सुई के प्रयोग से। यदि हम संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की गई सुई या फिर उसके उस्तरे या फिर उसके उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो हमें भी यकृत शोथ का संक्रमण हो सकता है। इसका अगला कारण है आसपास के गंदे वातावरण तथा गंदे शौचालयों से। यदि हम ऐसे शौचालयों या ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे यकृत शोथ के जीवाणु मिल सकते हैं, तो हमें भी यकृत शोथ हो सकता है। इसका अगला कारण है अत्यधिक मदिरा के सेवन से। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक मदिरा का सेवन करता है तो उसे भी यकृत शोथ हो सकता है। यह यकृत शोथ के थे कुछ कारण। अब हम बात करेंगे यकृत शोथ के लक्षणों की। यदि हमें यकृत शोथ होता है तो हमें सबसे पहला लक्षण दिखाई देगा पीलिया या पेट में अत्यधिक दर्द होना। इसका अगला लक्षण है तीव्र ज्वर या अत्यधिक ठंड लगना। यदि हम यकृत शोथ के जीवाणुओं के संपर्क में आते हैं तो हमें तीव्र ज्वर होगा और अत्यधिक ठंड लगेगी। इसका अगला लक्षण है हल्के रंग का मल होना या मटमैले रंग का मल होना। इसका अगला लक्षण है दिल घबराना या उल्टी होना। यह यकृत शोथ के कुछ लक्षण थे। इसके अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि पीले कलर का पेशाब होना, तो यह यकृत शोथ के कुछ लक्षण थे। अब हम बात करेंगे यकृत शोथ से कैसे बचाव करें। तो जैसे कि हमने यकृत शोथ के कारणों को देखा, हम उन्हीं से इसका बचाव कर सकते हैं। जैसे कि पहला था संक्रमित भोजन खाने से, तो यदि हम अपने भोजन को ढक के रखें और दूषित पानी पीने से बचे तो हम यकृत शोथ होने से बच सकते हैं। इसका अगला कारण है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। तो यदि हमें पता है कि हमारे आसपास कोई यकृत शोथ से संक्रमित व्यक्ति है तो हम उसके संपर्क में आने से बच सकते हैं। अगला, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की गई सुई या उस्तरे का इस्तेमाल ना करें। इसका अगला कारण है, अगला बचाव है, हम अपने आसपास के वातावरण में सफाई रखें, जहाँ हम अपने शौचालयों को साफ रख सकते हैं, जिसकी वजह से हम यकृत शोथ से बच सकते हैं। इसका अगला बचाव हो सकता है कि हम अत्यधिक मदिरा का सेवन ना करें। यह थे कुछ यकृत शोथ से बचाव। अब हम, यदि हमें यकृत शोथ हो गया है तो क्या करें, तो इसके लिए हम अपने आहार
में बदलाव ला सकते हैं या फिर हम अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि यकृत शोथ हमारे यकृत को प्रभावित करता है, तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो हमारा यकृत है उसे पचाना पाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा तला भुना या फिर ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा वसा होता है। अब हम बात करेंगे कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए। तो हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिनमें रेशों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि फल, सब्जियाँ और सलाद। तो इन सभी चीज़ों को करके हम यकृत शोथ से बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।